प्रोजेक्ट ब्लेज का एक नया अपडेट आ चुका है हमारे रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स डिवाइस के अंदर, जहां पे थोड़े बहुत UI के अंदर नया चेंज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक नया टाइप का OS है और इसका रिव्यू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। तो क्या कुछ यहां पे देखने को मिलेगा वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है, इसलिए लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा जो सेकंड चैनल है जिसमें सिर्फ कस्टमरों के रिव्यू आते हैं उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मैं रिव्यू लेके आता हूँ, बाकी मैक्सिमम टाइम उधर लेके आता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास स्पेशल हमें देखने को मिलता है इस OS के तरफ से। सबसे पहले अबाउट फोन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक दिखाई देता है अबाउट का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हद तक यहाँ पे वन प्लस टाइप का दिखाई देता है, जैसे कि उनके पोर्ट रूम वगैरह आते हैं, लेकिन हाँ लुक काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस नेम रेडमी का नोट 10 प्रो देखने को मिलता है, यहाँ पे बिल्ड नंबर है और यहाँ पे एंड्रॉयड 12L लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि 12.1 यानी 12L पे है जो रन कर रहा है। उसके बाद बैक आते हैं तो ये जो ब्लेज का OS है हमारा 1.1 अपडेट है, और यहाँ पे आपको MI5 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और मेंटेनर का नेम Gen 1 का यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है, और कर्नल है जो यहाँ पे वैंटम यूज किया गया है, और सिलिनक्स आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है। बैक की ओर आने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और भी कई सारी चीज़ें जो कि आप चाहो तो यहाँ पे चेकआउट है जो कर सकते हो। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है डिवाइस का एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह, जहाँ पे रिफ्रेश रेट, डीसी डिमिंग, कलर, और यहाँ पे ये प्रोफाइल भी दिया गया है जो कि काम करता है, और कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MI साउंड इन्हेंसर जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन हेडफोन में अगर आप आते हो बेस एडिशन पे तो ये काम नहीं करेगा, और सम केसेज में हमारा जो इनेबल HIFI ये भी काम नहीं करता, यानी काम करेगा तो म्यूजिक डिसेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें देख लेना, कुछ चीज़ें यहाँ पे काम करती है और कुछ चीज़ें आपके काम नहीं करती है, तो ये दिक्कत आपको फेस होगा, जो कि इस रोम का बग नहीं है, मैक्सिमम कस्टम रोम में ये देखने को हमें मिलता है। हैप्टिक कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे डिसेबल है। उसके बाद यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो मल्टी यूजर्स अकाउंट मिलता है, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो आप यूज कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा। जेस्चर्स के अंदर आपको ओपन कैमरा, सिस्टम नेम बार, 1 हैंडेड, पावर बटन पे होल्ड असिस्टेंट वगैरह, प्लेबैक, डबल टैप वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जिनका सारा प्रीव्यू आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं है, बट IME बटन है और फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे सिर्फ सिर्फ दो ही बटन दिए गए हैं, जेस्चर्स या ट्रिपल बटन। बैक आने पे आपको देखने को मिलता है डिजिटल वेल्विंग, जो कि ये एक बग है, पहला बग इस रोम का मैं कहूँगा जो कि है सेपरेट, और यहाँ पे ये कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब में जो आपको शेड्यूल मिलता है कोई भी गेमिंग का यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं देखने को मिलता, लेकिन डोंट वरी आपको यहाँ पे FPS मीटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे टॉगल के अंदर, जो कि आप इनेबल करके एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैं आपको गेमिंग में दिखाऊंगा किस तरीके से हमें गेमिंग दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड अकाउंट, स्टोरेज और बैटरी वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है। और बैटरी यूजेज की बात करें तो इसका जो ग्राफ है ये ओल्ड टाइप का आपको देखने को मिलता है, नॉट एंड्रॉयड 12। वहीं पे बैक आते हैं तो लोकेशन, प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको फेस अनलॉक और एप्स लॉक वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने एप्स लॉक यहाँ पे डाल रखा है और एक काम करता है जो कि हमारे फेस अनलॉक को जो डिटेक्ट करता है, यानी फेस को डिटेक्ट करता है, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिला। और सेटिंग आप देखते हो किस तरीके से कैटेगरी किया गया है, अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, और यहाँ पे आइकन भी चेंज है सेटिंग के, तो ये चीज़ें एक अलग सा फिनिश सा UI है जो दिखाई देता है सेटिंग अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, ऐप, साउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिल जाता है, टच साउंड आपको मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट साउंड को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जो कि कुछ कुछ रोम में अब जाके ये ऐड हो रहा है, और जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही आपको है जो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है वाइब्रेट कॉलिंग वगैरह के लिए, मीडिया है, स्मार्ट वॉच है, और यहाँ पे रिंगटोन्स वगैरह भी आपको है जो मिलेंगे, जो कि आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस हमारा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लॉक स्क्रीन पे आप ऐड यूजर और बाकी अदर चीज़ें यूज कर सकते हो, जो कि ऑप्शन मैक्सिमम हर एक रोम के अंदर कॉमन देखने को हमें मिल जाता है। बाकी टाइम आउट के अंदर आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर्स भी मिलता है, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले भी बता रखा है और आपको पता है कि ये कैसे काम करेगा। डार्क मोड आप यूज कर सकते हो और पिंच ब्लैक का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप डार्क मोड का पिंच ब्लैक पसंद करते हो तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर पाओगे।
बाकी ऑटो रोटेशन कलर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जिनके स्केल भी दिए गए हैं। टैप टू वैकअप है और यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटल वैकअप भी आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी बैक की ओर आने पे आपको मिलता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन जो कि पिक्सल एक्सटेंडेड का थोड़ा बहुत याद दिलाता है, क्योंकि उसमें इसी तरीके का कस्टमाइजेशन मैंने सबसे पहले नोटिस किया था। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स दिए गए हैं और जो भी फॉन्ट्स आपको चाहिए बस सिलेक्ट कर लो और वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइकन पैक आपको देखने को मिल जाता है जो कि मैंने चेंज कर रखा है। सिग्नल है, वाईफाई है और आइकन सेफ वगैरह भी है जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो थीमिंग का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट जो एडवांस लेवल का आता है कलर पिकिंग का सेटिंग वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ट्रैफिक इंडक्टर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे क्लॉक है, बैटरी स्टाइल, डबल टैप, 4G, वोल्टी, वो वाईफाई और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैमरा, माइक, एक्सेस इंडक्टर वगैरह भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर कहाँ पे रखना है, कब रखना है वो चीज़ आपको मिल जाएगा। QS कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे जो कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे जो कि है, लेकिन यहाँ पे एक बार जो सिस्टम UI को है जो रिबूट करना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा। उसके लिए बॉटम और यहाँ पे बॉटम का जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप वगैरह आपको देखने को मिलता है, रीपर इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा, फोर्स स्मॉल क्लॉक और यहाँ पे जो म्यूजिक लिसन करते हो उसके जो इफेक्ट आते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग स्केल का पैटर्न दिया गया है जो कि मैक्सिमम रूम में दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे सो मीडिया आर्ट वगैरह मिलेगा और यहाँ पे कॉल्स रिलेटेड आपको वाइब्रेट का फीचर्स मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कस्टमाइजेशन ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाते हैं और यहाँ पे जो हमें एंड्रॉयड 12 कोर से वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिसिंग देखने को मिली है जो कि मैक्सिमम एंड्रॉयड 12 के रोम में होता है। बट आप देख सकते हो तो सिस्टम, गूगल, सेफ्टी अकाउंट, पासवर्ड, स्टोरेज, बैटरी, लोकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एप्स, यहाँ पे साउंड, ब्लेज और डिस्प्ले और यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह है। तो यहाँ पे भाई वॉलपेपर वाला फीचर्स मिसिंग मुझे लगा है जो कि हमारे एंड्रॉयड 12 का मटेरियल यू फीचर्स है। तो ये चीज़ यहाँ पे कमी लगी है जो कि भाई देख के ताजुब हो रहा है, पहला रोम है जिसमें ये गायब है। उसके बाद डिफॉल्ट हम आते हैं अपने लॉन्चर की तरफ, तो पिक्सल लॉन्चर ही यूज किया गया है और यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई देता है जो भी वॉलपेपर आप यूज करोगे उसके हिसाब से, और यहाँ पे आप चाहो तो विजेट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। अनदर अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह के और बाकी अदर चीज़ों की, तो यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला, यूनिक सा जो कि काफ़ी अच्छा लगा, और कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट है और कितना डेटा यूज किया है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस और टॉगल आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने मर्जी हिसाब से ड्रैग करके बाहर ला सकते हो, बस टैप करना है और बाहर आ जाएगा, उसके बाद आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे गेमिंग मोड भी दिया गया है जो कि ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जो कि गेमिंग के टाइम में आपको हेल्प करेगा, और अगर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा गेमिंग मोड यहाँ पे सामने आ जाता है जो कि सेटिंग के अंदर तो दिखाई नहीं दिया, बट यहाँ पे आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है जहाँ पे गेम वगैरह आप यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी ऐड किया है CPU टोटल के ऊपर, जिस पर हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलेगा जो कि सिमिलर है बाकी अदर कस्टम रोम जैसा ही। अब परफॉर्मेंस टेस्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट होम सेटअप कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैटरी ड्रॉप चेक किया था क्योंकि मैंने वन डे पहले ही से फ्लैश किया है, तो 69 पे लेफ्ट किया और मॉर्निंग में 69 ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि बैटरी ड्रॉप यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ये है हमारा CPU टोटल जो कि विदाउट प्रोफाइल यूज किए हुए, और ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि भाई काफ़ी अच्छा है नॉर्मल तरीके से, तो प्रोफाइल यूज करेंगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, तो एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अनटूटू स्कोर भी काफ़ी बेहतरीन है जहाँ पे हीटिंग और बैटरी ड्रॉप भी काफ़ी कम देखने को मिला है। अनदर आते हैं तो यहाँ पे सिंगल और मल्टी मुझे काफ़ी वीक लगा जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने प्रोफाइल का यूज किया और प्रोफाइल से मैंने जो बेंचमार्क पे सेट कर दिया, उसके बाद जब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे स्कोर काफ़ी इंप्रूव्ड है जो हमारा हो जाता है, उतना में इंप्रूव नहीं होता जितना कि MIUI का है, बट हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, तो प्रोफाइल काम करता है अच्छे तरीके से और कस्टमरों के हिसाब से वो मैं कहूँगा कि सही है। यहाँ पे एक छोटी सी कमी लगी चार्जिंग को लेके कि चार्जिंग यहाँ पे फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है जैसा कि ऑफिशियली MIUI पे नज़र आता है। तो ये फिक्स होता है तो ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाता। बाकी यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड है तो दिक्कत नहीं आएगा इसमें, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है L1 का सपोर्ट, तो अमेजन प्राइम वगैरह भी यूज कर पाओगे, और बाकी अदर की बात करें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन गेमिंग में 90 FPS है, तो चलिए थोड़ा बहुत हम गेमिंग भी है जो यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे 90 FPS मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है, मीटर भी है। अब थोड़ा आप गेमिंग देख लेते हैं कैसा होता है। Expired.
फाइनली मैच कंप्लीट हो गया और एक केस हमेशा 60 के ऊपर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कोई भी हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिला, तो गेम प्ले भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और स्मूथ गेमिंग था, तो शिकायत आपको नहीं होने वाली गेमिंग से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी है। और यहाँ पे अगर बात करें इसके वॉल्यूम स्लाइडर की, तो वॉल्यूम स्लाइडर पहले जैसे ही ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। और यहाँ पे म्यूजिक वगैरह भी अच्छे से यहाँ पे काम करता है। और पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रही बात रिकमेंडेशन की, तो भाई ओवरऑल सब कुछ सही है, बट एक दो चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगी है जो कि होना चाहिए था। तो अगर वो होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अभी भी यहाँ पे मैं 50-50 का रिकमेंडेशन करूँगा आपके साथ कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है, अनिल आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इससे बेहतरीन रोम और भी अवेलेबल है, बट थोड़ा सा नया लुक देखने को मिलता है, फिनिशिंग अलग सी है, तो आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दो तीन चीज़ें यहाँ पे गायब है, मिसिंग चीज़ है, वो अगर फिक्स हो जाए ना, तो भाई इसे यूज़ करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि बैटरी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गेमिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, बस चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा और बेटर हो जाए ना तो सही रहेगा। और वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे फोटो स्टोरेज की, कि भाई यहाँ पे लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे मैं आपको टर्न ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि लिमिटेड है, 15 GB ही देखने को मिलता है, तो शायद नेक्स्ट अपडेट में इसे अनलिमिटेड कर दिया जाए तो और ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और फ्लैशिंग गाइड वही सेम, फ्लैश फॉर्मेट वाइप रिबूट वगैरह है, और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा फ्लैशिंग गाइड से रिलेटेड सभी डिवाइसेज के लिए, तो वेट कर लेना। बाकी क्या है ओपिनियन इस रोम के बारे में बताना जरूर, और मेरा जो सेकेंड चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोम का अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।